तो स्टूडेंट, आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, और कोई कोई तो कहते हैं आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। मतलब क्या है, यहाँ पे मौसम बदल रहा है। तो यहीं पे अगर मैं बात कर दूँ कि मौसम बदल रहा है, तो मौसम की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ दे या फिर पूछ दे कि मौसम क्या होता है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे उनको? मतलब कि मौसम एक टॉपिक है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में यही जानेंगे कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, दोनों पे डिस्कस करेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है उसको यहाँ पे जानेंगे। मतलब कि आज हम जानेंगे वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मौसम को समझ लेते हैं। तो मौसम क्या होता है, यह अल्पकालीन वायुमंडलीय परिघटनाएं होती हैं, मतलब कि बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, जिसमें क्या होता है क्षण प्रति क्षण और दिन प्रतिदिन इसमें परिवर्तन को देखा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि यह मौसम की अल्पकालीन वायुमंडल परिघटना होती है, जिसमें यह दिन प्रतिदिन और क्षण प्रति क्षण इसमें परिवर्तन देखा जाता है। और इसमें इसको परिवर्तन करने वाले कुछ हमारे कारक हैं, जैसे कि अभी हमें समझ लीजिए, जैसे कि वायुमंडल का तापमान हो जाएगा हमारा, उसकी आर्द्रता हो जाएगी, और पवन प्रवाह हो जाएगा, और यहाँ पे दाब और वर्षण। तो इन्हीं सब के कारण जो मौसम होता है वो परिवर्तन होता रहता है, वो भी क्षण प्रति क्षण, मतलब कि बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि हमेशा यह परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए आपको कभी कभी गर्मी और कभी कभी ठंडक का एहसास भी होने लगता है। तो अगर आपसे कोई मौसम पूछे तो आप ऐसे कहेंगे कि किसी स्थान पर, ठीक है, ये किसी भी स्थान पे होता है और थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए एक दिन, दो दिन या फिर एक सप्ताह वायुमंडलीय अवस्थाओं में अगर परिवर्तन होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मौसम कहते हैं। मतलब कि बहुत ही अल्पकालीन के लिए होता है, अल्प समय के लिए होता है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं जलवायु की, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम बात कर लें जलवायु की, तो यह हमारा किसी क्षेत्र में होता है, और वो हमारा एक किसी स्थान में होता है, लेकिन जो हमारा जलवायु होता है यह क्षेत्रों में होता है, और यह लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, मतलब कि यही जो हमारा मौसम है वही अगर लंबे समय तक यहाँ पे टिक जाता है तो वही हमारा जलवायु का निर्माण होता है। और यहाँ पर लगभग ही हमारा 20 से 30 साल तक अगर हमारा मौसम एक ही जैसे बना रहे तो यहाँ पर हमारा इसे बोलते हैं कि हमारे जलवायु में परिवर्तन हो गया है। तो इसे हम यहाँ पर मौसम और जलवायु को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्या कि जो हमारा मौसम है वो अल्प समय के लिए, और जो हमारा जलवायु है वो बहुत ही दीर्घकालीन, मतलब कि अधिक समय के लिए होता है, ठीक है, मतलब कि 20 से 30 साल। और ये हमारा जो होता है वो पल पल, मतलब कि बहुत ही कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए हमारा चेंज होता है मौसम। तो आई होप कि आपको ये मौसम और जलवायु में आसानी से डिफरेंस पता चल गया होगा, और इजीली आप इसे किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही है हमारा मौसम और जलवायु में अंतर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।